हाय फ्रेंड्स, फूड बरेतु पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, नजर मारते हैं आज की सुपर स्पेशल रेसिपी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाएंगे आपके ही किचन के अवेलेबल सारे सामान से, यानी कि आसानी से मिलने वाले सामान से हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो चलिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाना शुरू करा जाए। सबसे पहले एक बाउल में एक कप मिल्क पाउडर लेंगे, आधा कप मैदा लेंगे और साथ ही इसमें दो चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी यानी कि रवा। सूजी से हमारे गुलाब जामुन बहुत ही दानेदार बनेंगे। इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इन सबको सूखा ही मिक्स कर लेंगे। और इसमें दो चम्मच देसी घी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका डो तैयार करेंगे। दूध इसमें एकदम से नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक थिक डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डो बिल्कुल खोए की तरह लग रहा है ना। तो अब हम इस इंस्टेंट खोए को हथेलियों से इस तरह से प्रेशर देते हुए नरम करेंगे, ताकि हमारे गुलाब जामुन तलते हुए फटे नहीं। तो देखिए कितना परफेक्ट खोया तैयार हो चुका है। तो इस तरह से अच्छे से प्रेशर देते हुए डो को हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हाथ से घुमाते हुए हम अपनी गोल बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स का साइज थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि चाशनी में डालने से बॉल्स काफी फूल जाएंगी। इस तरह से बॉल्स बनाकर एक बाउल में अलग से रख लेंगे। तो चलिए, तब तक हम अपनी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 2 कप चीनी और 2 कप ही पानी डालकर चाशनी बॉयल होने के लिए रख देंगे। चाशनी बनाने के लिए हम भारी बेस वाले पैन का इस्तेमाल करेंगे। चाशनी को लगातार चलाते हुए बनाएंगे। इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना है, बल्कि हल्का सा ऑयली टेक्सचर आने तक ही बनाना है। अगर आपकी चाशनी ज्यादा थिक हो गई, तो गुलाब जामुन उस चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसलिए हमें चिपचिपी टेक्सचर की चाशनी बनानी है। इसमें हम 1 चम्मच गुलाब जल डालेंगे और आधा नींबू का रस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो चुकी है हमारी चाशनी। इसे हम साइड पर रख लेते हैं और अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम होने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे, यानी कि गैस की फ्लेम को हल्का कम कर देंगे। नहीं तो गुलाब जामुन बाहर से तो पक जाएंगे, बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हल्का सा ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें गुलाब जामुन की बॉल्स को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अगर एकदम से गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन जल जाएंगे। तो इस तरह से इनको पलटते हुए फ्राई करेंगे। इसे हम गोल घुमाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि गुलाब जामुन चारों तरफ से एक जैसे रंग के आ जाएं। तो दिख रही है ना, क्या बढ़िया कलर की गुलाब जामुन बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं। इसे हम थोड़ा और डार्क कर लेते हैं।
जैसे कि गुलाब जामुन की बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं। गुलाब जामुन की बॉल्स को स्ट्रेनर पर निकालते जाएंगे और साथ ही इसको हल्की गर्म चाशनी में डालते जाएंगे। इसी तरह से दूसरे बैच को भी डाल देंगे और उसे चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे। इसके बाद इसे भी गोल घुमाते हुए फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को आप अपने मनपसंद कलर के अकॉर्डिंग फ्राई कर सकते हैं, यानी कि आप इसे बहुत ज्यादा डार्क कलर भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे हल्के रंग का भी रख सकते हैं। चाशनी में डालने के बाद इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि 2 घंटे हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या बढ़िया गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। तो हमारे सुपर टेस्टी और सॉफ्ट गुलाब जामुन रेडी हैं सर्विंग के लिए। इन्हें आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और सर्व करें और बढ़िया से गुलाब जामुन अपने हाथ के बने हुए खिलाकर अपनी फैमिली का मन चाशनी चाशनी कर दीजिए। सॉरी, मीठा मीठा कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।